हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज का एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट अशोक कुमार साहू। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं इम्पोर्टेंस ऑफ करियर काउंसलिंग। बहुत लोगों का मन में डाउट रहता है कि करियर काउंसलिंग होता क्यों है, क्यों जरूरी है, हम क्यों करें, ठीक है। और हम जो काउंसलिंग करते हैं, मैं जो काउंसलिंग करता हूं, उसके लिए मैं चार्ज करता हूं। ये फ्री सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले फ्री सर्विस देता था, लेकिन अब मैं जब भी कोई इंस्टीट्यूट में जाऊंगा, कोई कॉलेज वगैरह में जाऊंगा, तो डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा कि फ्री सेशन देने के लिए। लेकिन जो मैं ऑनलाइन करता हूं दोस्तों, वो चार्जेबल होता है। और वो इसलिए होता है कि भाई आपको समझना चाहिए कि करियर काउंसलिंग होता क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैं बताने से पहले आपको पहले एक क्लिप देखना चाहिए, ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाएगा कि करियर काउंसलिंग क्यों जरूरी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कुणाल है, मैं गुजरात से हूँ। अभी मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ, मैं क्रोएशिया जा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है बिकॉज ऑफ अशोक सर। मैंने अशोक सर से काउंसलिंग लिया था। जब काउंसलिंग लिया, उससे पहले मेरा एक रिफ्यूज़ल था हंगरी के लिए। मैंने अशोक सर के बारे में कुछ सुना नहीं था ज़्यादा, पर मैंने यूट्यूब चैनल पे उनके काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे। मैंने वही वीडियो देख के सर से एक रिक्स लेके मैंने काउंसलिंग किया था, पर वो रिक्स मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मैंने अशोक सर से जब काउंसलिंग लिया, तो उन्होंने मुझे हर चीज़ के बारे में पूछा, मेरा पास्ट, फ्यूचर, मेरे माइंडसेट, मेरे फैमिली बैकग्राउंड्स, मेरा एजुकेशंस, एवरीथिंग ही आस्क्ड अबाउट दैट। एंड मैंने हर चीज़ के बारे में उनसे शेयर किया। मैं बहुत नर्वस था उस टाइम पे कि यार मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा एक रिफ्यूज़ल था मेरे कैरियर के बारे में, मैं कुछ कन्फ्यूज़न था, बहुत कन्फ्यूज़ था। तो सर ने मुझे बहुत अच्छी राह दिखाई, मुझे बहुत सारा मुझे बहुत सारी चीज़ के लिए उन्होंने बताया कि ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जैसे सेफ, मैं एज अ सेफ की काम कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें स्किल थी। उन्होंने बताया था कि तेरे में ये स्किल्स है, तो तू ये काम कर सकता है। तो मैं आपसे एक चीज़ बात करूँगा, अगर कोई भी बंदा विदाउट काउंसलिंग या विदाउट किसी बंदे को मिले बिना या प्रॉपर अपना बैकग्राउंड के बारे में बताए बिना कोई भी एजेंट से या किसी कैरियर काउंसलिंग से अपना प्रोसेस करवाते हैं, तो उसका क्या फ़ायदा? आपको क्या जॉब मिलेगा, क्या करना है, कुछ क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आएगा। सर ने काउंसलिंग दे के ऐसा नहीं है कि सर को कुछ कमा के आगे बढ़ना है। सर काउंसलिंग इसलिए लेते हैं कि सामने वाले बंदा, जो भी बंदा है, उसका कैरियर बने। तो सर ने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया। जब मैंने उसके काउंसलिंग लिया सर से, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, मैं क्लियर हो गया पहले, फिर उसके बाद मुझे गाइडेंस दिया एंड मैंने प्रोसेस स्टार्ट की। अशोक सर के थ्रू ही किया, उन्होंने बहुत हेल्प की। उन्होंने जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, विद इन 2.5 मंथ्स आई गॉट अ वीज़ा। सो मैं सोच भी नहीं सकता, सर ने मुझे 3 महीने से ज़्यादा बोला था, पर तो भी मैं 2.5 महीने में मिल गया वीज़ा, और बहुत अच्छी तरह मिला। जो वीज़ा मिला है, जो ऑफर लेटर मिला है, जो वर्क परमिट मिला है, वही कंपनी में मुझे काम करना है, वही काम करना है इतने घंटे की। दोस्तों, आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा कि करियर काउंसलिंग होता क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को आपने भी देखा, ना तो मैं उनसे कभी मिला था ना मिला हूं, ठीक है, और वो मेरे से मतलब YouTube के माध्यम से, थैंक्स टू YouTube के माध्यम से मेरा वीडियो देख के वो इंस्पायर हुए और मेरे से काउंसलिंग लिए। काउंसलिंग लेने के बाद उनको समझ में आया, क्योंकि उससे पहले मतलब वो कहीं से अप्लाई किए थे, कुछ किए थे, उनका वीजा जो है वो रिजेक्शन में आ गया था, ठीक है। उसके बाद वो जब यूट्यूब में सर्च कर रहे थे, तो उनको मेरा वीडियो मिला और वो मुझे कॉन्टेक्ट किए, और अभी तक मैं उससे मिला भी नहीं हूँ, ठीक है। और वो अभी क्रोएशिया जा चुके हैं, आज उनका फ्लाइट था, और मतलब कल उनका फ्लाइट था, आज पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव भी करने आ गए कंपनी वाले, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसा होता है, ये इंपॉर्टेंस है करियर काउंसलिंग का। मेरे पास ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो अपने एक्सपीरियंस को लेकर शेयर करते हैं, जैसे कोई स्टूडेंट जाते हैं स्टडी के लिए, कोई जॉब्स के लिए, ठीक है, जो मेरे से काउंसलिंग लेते हैं,
और मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूंगा इस के बारे में। अगर आपको और भी कुछ जानना है करियर काउंसलिंग के बारे में तो उसके लिए स्पेसिफिक मैं एक वीडियो बनाऊंगा जरूर। मैं तो सिर्फ आज ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई आपको समझ में आना चाहिए कि करियर काउंसलिंग का मतलब होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग मुझे कहते हैं कि क्या आप मुझसे बात कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं सबसे बात करना चाहता हूं, लेकिन समय का लिमिटेशन है, समय की कमी की वजह से मैं आप सबसे ज्यादा बात नहीं कर पाता। इसलिए मैं इंस्टाग्राम में कोशिश करता हूं कभी भी लाइव आने का। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो यहां पर मैं अपना आईडी या लिंक कहें आप मैं दे देता हूं। इंस्टाग्राम का आईडी पे आप जाके फॉलो भी कर सकते हैं, और जहां पर आप हर दिन नए नए वैकेंसी के बारे में जानने को मिलता है आपको, और आप चाहें तो उसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये जो टॉपिक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर दिन मिलता है। तो आज के बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।